आए हैं अंदर किला में साफ तो करने के लिए, और पिछला आया है तो आ गए हैं, लाते हैं कौन सा कितना बड़ा सांप है। अभी रात 11 बज रहा है और रात को सांप पकड़ना और ही खतरा से कम नहीं है। बरसों से सांपों के साथ काम करते हुए आ रहे हैं, आपको सांप के साथ काम करना खतरा भरा काम है। ये अभी सांप को खोजबीन करने के लिए आ चुके हैं, पता चला है कहीं और फूल के पौधा पेड़ पर सांप चढ़ चुका था, चढ़ा हुआ है। चारों तरफ सांप के स्थान पे पानी भर चुका है, बारिश के समय है, पानी भरने की वजह से सूखा स्थान तलाश में नहीं मिल पाया। स्थान सूखा तो पेड़ पर चढ़ चुका था, सांप देख चुका है। मुंह दिखा दे, टेक्टिकल कोबरा है, सब आदमी मत जाइए, बड़ा फन वाला है। इसी पौधा पे सांप चढ़ा हुआ है, चौबीस घंटा बरसा होने की वजह से काफी पानी हर जगह लबाला भरा हुआ है। अपना जीवन बचाने के लिए इसी पेड़ पे सांप चढ़ के आराम से बैठा हुआ है, धूप खाने के लिए सूखा जगह भी मिल रहा है इसको। आस पास के लोग काफी भयभीत थे, काफी डरे सहमे हुए थे, तो हमने कॉल किए हैं, आ चुके हैं। सांप को रेस्क्यू हो रहा है, देख सकते हैं इसी पेड़ पर सांप लीजिए दिखाई दे चुका है। मेरा कर्तव्य है सांप को इंसानी बस्ती से दूर कहीं घना जंगल में आजाद कर दिया जाएगा। भागा ही तो ना है भी नहीं, सांप के साथ काम करना खतरा भरा है, रहता है। यही बराबर के लिए करते आ रहे हैं, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर इधर आइए, देखिए वो देखो, वो देखो, वो देखो लग चुका है सांप को, मदद कर रहे हैं। अब लीजिए बिल्ली, लीजिए सर, ये लाइए। अंदर किला के लोग काफी लोग टॉर्च दिखाइए, यही स्थान पे 10-15 सांप रेस्क्यू करवाए थे जो फिर डिपार्टमेंट में दे चुके हैं। आज फिर सांप को आगे पकड़ रहे हैं, सांप पकड़ा चुका है। बहुत बड़ा फन वाला है सांप, कैसे कह लो कि छोटा है, अपने बचाने के लिए फन मारता है सांप। ये पीछे कभी भी घर में जंगली जानवर जीव कभी भी अगर आ जाता है इसे रास्ता पे जाने के लिए, अगर नहीं निकलता है तो नजदीकी फर्स्ट डिपार्टमेंट में कॉल करें। इससे मारे नहीं पर्यावरण इससे पर्यावरण बचेगा, पर्यावरण अगर ठीक ठाक रहेगा तो हम लोग भी ठीक रहेंगे। आइए आराम से, धीरे धीरे आइए, इनको बाहर लेके चलते हैं।
रात के समय है, बहुत सावधानी के साथ सांप के साथ काम किया जाता है, करना पड़ता है। पक्का गेहूँ माना है ना? जब भी स्नेक बाइट करे आप बैंक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए या कि देहाती देसी इलाज झाड़फूँक के चक्कर तंत्र बल के चक्कर में टाइम बर्बाद न करें। अगर डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो आपकी जान बच पाएंगे। चलिए भाई धरा गया। यहाँ अपना बिहार में नाग करते हैं, गेहूँ गाँव में बोलते हैं, पेड़ पर चढ़ा हुआ था, काफी पानी जो भर चुका है सूखा जगह पाने के लिए, जलस्थान पे हर जगह गड्ढा भर चुका है, रहने का जगह नहीं है, पौधा पर चढ़ गया था, इसको काफी दूर भी चला जाएगा, लोग के बीच में था, मानव जाति को दूर कर दिया जाएगा। सांप को मारने बहुत अच्छा काम किए हैं, सांप को मारना भी नहीं चाहिए। जंगीला नाग सांप है जो हमें बोलते हैं बिहार में, बहुत नया सांप है, 5-8 साल पुराना सांप है ये। जब भी स्नेक बाइट करे डायरेक्ट हॉस्पिटल में भागे ना, कि झाड़फूँक के चक्कर में टाइम बर्बाद करिए। देसी इलाज कभी नहीं करना चाहिए लोगों को, ठीक है? और फिर इसको डब्बा लगो है तो डब्बा डब्बा इनका लगा दो। यहाँ सांप है कोई से निकल जा लो। सवेरे से एक के जगह है साला घूम फिर रहा है, इसलिए इसको पकड़ लिया गया। ये इंटरनेशनल जीव है, पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, सबसे जहीला सांप होता है। अच्छा केचुआ भी नहीं छोड़ा है, शिखर स्थान रखता है, फर्स्ट में क्रैत होता है, सेकंड में स्पेक्ट्रल कोबरा गेंगवन बोलते हैं, पकड़ता रहे, और तीसरा में एसल्स बाइपर होता है। हेलो, हाँ संजय जी, बाइपर होता है। अरे गाड़ी बोलवा दे, गाड़ी बोलवा देबो ना, चिंता काहे करा है, अभी रुको ना। अच्छा ठीक है, बुला लो। पानी नहीं है, उठा दो उठा दो। रुके रुके रुके, बोला वाला चिमका कहाँ रख लाए? चिमका इधर है, चिमका इधर लीजिए। पहले अस्सी दावे ना रही तो वही लोग का फोन है, फोन से जाम आ रही की बात अभी यंग है सांप, 7-8 साल पुराना है, यंग में है अभी, काफी एनर्जेबल है, ज्यादा कष्ट नहीं देता, एनर्जी है, काफी फन मारने में आगे है सांप। थोड़ा टंग इस्तेमाल कर लेता हूँ अपनी सुरक्षा के लिए, इसे थोड़ा रखने में आसानी हो, इससे कहीं से नुकसान स्नेक को नहीं होता है। ठीक, घना जंगल में आज़ाद कर दिया जाएगा। ऑलरेडी इस डब्बे में ऑक्सीजन के लिए छिद्र किया हुआ है, जिसे हवा इनको मिले, श्वास मिले, श्वास लेने में आसानी हो, दिक्कत ना हो। जाने के लिए तैयार नहीं है बोतल में, बोतल में जाने के लिए तैयार नहीं है।
ताली मारी एक बार। वंदे मातरम बोली थी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ले ले जी वाले जी चारों तरफ भाई सर गाड़ी वाले सर भाई धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभरात्रि, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।